नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का अध्यापक संवर्ग है उनके लिए राज्य शिक्षा सेवा से संबंधित जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और उम्मीद ये की जा रही थी कि जो आदेश हैं वो चुनाव से पहले जारी हो जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले आदेश जारी नहीं हो पाए और फिर प्रक्रिया चुनाव के बाद टाल दी गई। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश आया था कि प्रतिनियुक्ति पर जो अध्यापक हैं उनके जो पोर्टल पर उनकी जो जानकारी है उसको एडिट करने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है, और वहाँ से उसको अपडेट कर दिया जाए जिससे कि उनके आदेश और बाकी के जो लोग रह गए उनके आदेश जल्द से जल्द जारी कर दिए जाएं। लेकिन अध्यापकों ने इस राज्य शिक्षा सेवा का शुरुआत में काफ़ी विरोध किया था, और वो सभी लोग ये चाहते थे कि अध्यापकों को 1994 वाला जो कि डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया था शिक्षा विभाग, उन्हीं पदों पर अध्यापकों का शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया जाए। लेकिन पुरानी सरकार द्वारा एक नया शिक्षा विभाग बनाया गया जिसको राज्य शिक्षा सेवा नाम दिया गया, और अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति देने की कार्यवाही चल रही थी। क्योंकि जो अभी वर्तमान में सरकार है उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अध्यापकों का राज्य शिक्षा सेवा की जगह पर पुराने शिक्षा विभाग में ही सम्मिलन किया जाएगा, और जो पद मृत घोषित कर दिए गए थे उन पदों को पुनर्जीवित करने के बाद उनका सम्मिलन उस पुराने विभाग में कर दिया जाएगा। तो उसी से संबंधित एक न्यूज़ आई है जिसमें ये बताया गया है कि अध्यापकों का पुराने शिक्षा विभाग में सम्मिलन करने के लिए जो डाइंग कैडर है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, और शायद अध्यापकों का पुराने शिक्षा विभाग में सम्मिलन कर दिया जाए। तो चलिए पूरी न्यूज़ को देखते हैं और न्यूज़ में क्या क्या लिखा हुआ है, कहां से इन्हें ये न्यूज़ प्राप्त हुई है, हम उस न्यूज़ के माध्यम से पढ़ते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये है वो न्यूज़ जहां पर हेडिंग है शिक्षकों के डाइंग कैडर को पुनर्जीवित कर सकती है सरकार, फिर टलेगी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, कांग्रेस सरकार के वादे से जोड़कर देखा जा रहा यह निर्णय। कांग्रेस सरकार के आते ही सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर फिर से ग्रहण लग गया है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक संवर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। इसे नई सरकार के वादे से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया है कि शिक्षकों को लेकर शिवराज सरकार की कैबिनेट के निर्णयों की समीक्षा कर शिक्षकों की मांग के अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि नई सरकार डाइंग कैडर को पुनर्जीवित कर सकती है। दरअसल नियमितीकरण का तोहफा मिलने के बाद भी अध्यापक भाजपा सरकार से इसलिए नाराज थे क्योंकि सरकार ने उन्हें पुराने कैडर में लेने की बजाय नए कैडर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक गठित कर दिया। इस नाराजगी को कांग्रेस चुनाव से पहले भांप गई थी और अपने वचन पत्र में शिक्षक संवर्ग से इस दिशा में काम करने का वादा किया था। इस बदलाव के लिए शिक्षकों की चयन परीक्षा रोकना भी जरूरी था। हालांकि इस निर्णय के बाद होने वाली परीक्षा सहायक शिक्षक, शिक्षक और प्राध्यापक पदों के लिए होगी। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश में 237,000 अध्यापकों को ध्यान में रखकर सरकार डाइंग कैडर को पुनर्जीवित कर सकती है। छठवां वेतनमान और नियमितीकरण की मांग पूरी होने के बाद भी अध्यापक शिवराज सरकार से नाराज थे। सरकार ने उन्हें नए कैडर बनाकर पदोन्नति दी है। अध्यापकों का कहना है कि पुरानी सरकार के फैसले से हमारे और सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक और अध्यापकों में समानता का भाव नहीं आ रहा है। युवाओं में नाराजगी। करीब 31,000 पदों के लिए कराई जा रही तीनों संवर्गों की परीक्षा में करीब 25,00,000 युवा शामिल होने वाले थे। युवा फॉर्म भर चुके थे और परीक्षा की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। 29 दिसंबर से उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की ऑनलाइन परीक्षा शुरू होना थी। ऐसे में पीईबी ने परीक्षा कार्यक्रम को शेड्यूल से हटा दिया। इससे युवाओं में कांग्रेस के प्रति नाराजगी है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो व्यापम के माध्यम से भर्ती की जा रही थी उसकी परीक्षा दिनांकों को 1 महीने आगे बढ़ा दिया गया है, और उसी को लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है
सरकार पुराने शिक्षक संवर्ग को जो कि डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया था उसको पुनर्जीवित करना चाह रही है। अगर ऐसा होता है तो जो पुराने अध्यापक संवर्ग के साथी हैं उन सबको पुराना शिक्षा विभाग मिलेगा, साथ साथ जो नई भर्ती होगी उनको उनकी भर्ती भी पुराने शिक्षा विभाग में हो पाएगी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।